दोस्तों आइए सबसे पहले इस डिब्बे से निकाल करके मैं आपको दिखाता हूँ इस माइक्रोफोन का स्टैंड। तो मैं स्टैंड को बाहर निकाल लिया हूँ डिब्बे से, और इसे आप फैला देंगे तो ये लंबा हो जाएगा और अपने माइक्रोफोन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये पतला सा जो दिया हुआ है इसे आप क्लैंप में लगा सकते हैं। इसके बाद ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं माइक्रोफोन। ये जो क्लैंप है माइक्रोफोन का स्टैंड खड़ा करने के लिए, आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं मेज वगैरह वगैरह पर। यहाँ पर जो होल दिया है दोस्तों, वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोफोन का स्टैंड था एक सतह पतला वाला था, उसमें आप इस होल में लगा करके स्टैंड को खड़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके साथ इस माइक्रोफोन के साथ मिल जाता है पॉप शील्ड, जिसे हम बोल सकते हैं पॉप फिल्टर। ये दरअसल दोस्तों फक फुक की जगह ये आवाज़ को छान करके प्रदान करता है माइक्रोफोन को, जो कि अच्छी क्वालिटी देता है। इसके साथ मिल जाता है, ये सभी सामान माइक्रोफोन के साथ ही मिला है। यहाँ पर XLR 2 3.5 mm जैक मिल जाता है, जिसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह वगैरह में। यहाँ पर मिल जाता है एक और फिल्टर, जिसे आप अपने माइक्रोफोन में लगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी लेने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है शॉक माउंट। दोस्तों ये शॉक माउंट में आप लगा सकते हैं अपना मेन माइक्रोफोन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये भी बनाया गया है। इसके बाद मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके साथ मिल जाता है एक छोटा सा क्लैंप, जिसे इस माइक को आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें डायनामाइक यूज कर सकते हैं। अब मेन रहा ये माइक्रोफोन, जिसे हम बोल सकते हैं विल्सन कंपनी का। मैं डिब्बे से बाहर निकाल लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं विल्सन VM800 माइक्रोफोन। यहाँ पर XLR केबल यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप अगर डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में या डायरेक्टली लैपटॉप पे इसे आप इनपुट कर सकते हैं, तो ये आवाज़ नहीं देगा, एकदम बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ देगा, ये बहुत ही हल्का देगा, जो कि एकदम शून्य के बराबर होता है। तो इसके लिए आपको डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। पहला है ये डिवाइस USB ऑडियो कार्ड। अगर इससे और अच्छा क्वालिटी लेना है तो इसके लिए आपको फैंटम पावर, जो कि ये है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अच्छे क्वालिटी लेने के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन का। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।